अभी एक काम खराब हो गया, ये देखिए ये जो गोलियाँ ना, ये छोटे पिस्तौल वाली, ये जो मतलब छोटा खिलौना पिस्तौल होता है, ये गोली दौड़ के काम में पता नहीं कब से चली गई, वो उसने बताया ही नहीं। तो वो तो अभी हम लोग वीडियो बना रहे थे ना पिंजरे की, तो उसने मोबाइल पकड़ा वीडियो बनाने लगा, तो कहता है भाई ये मेरे कान में देखना क्या है। पता नहीं तकरीबन एक दो महीने से वो रोज़ रोता था, मेरे कान में दर्द होता है। तो हम लोगों ने उसमें ड्राप डाले सब कुछ किया, तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चली गई है। तो ये तो अभी मैंने लाइट जला कर ना उसके कान में देखा, तो ये सामने नज़र आई ऐसी गोली। तो अब जान जो है ना, हमारे गांव में एक बंदा है, वो पता नहीं पेंसिल किससे वो हमें जो भी कानों की चीज़ गई हो ना वो निकाल देता था। अब जाना अभी उनका पता करने गए हैं। तो दोस्तों से पता नहीं काफ़ी दिन से वो रोता था रोज, लेकिन बताया नहीं कि ये चली गई है, बता ही दो। एक और चीज़, इन परिंदों की ना शिफ्टिंग करनी है, मतलब ऐसे मुझे सही नहीं लग रहे। ये देखो ये ऊपर हैं, ये ऊपर से अगर इनको खोलना हो तो हाथ में पकड़ पकड़ के निकालना पड़ेगा, ऐसे निकल नहीं सकते। उसके अलावा कबूतर हैं नीचे जो सबसे, ये सील मुर्गी और सील मुर्गा सबसे नीचे हम लोग रखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि हम लोग कैसा इनका सेटअप करें, मतलब भी कबूतरों को किस जगह पर रखें, छोटे चूजों को किस जगह पर रखें, और इन सील मुर्गे और सील मुर्गे को किस जगह पर रखें, आप लोग ये ज़रूर बताना। मुर्गी बत्तख के बच्चों को पानी नहीं पीने दे, डर रहे हैं बेचारे, डर रहे हैं। नहीं नहीं पीने लगे, पीने लगे, डरते डरते पीने लग गए हैं। वाह नहीं डर रहे हैं, डर भी रहे हैं पी भी रहे हैं, आएगा। अभी ये जो कबूतर है ना, हमारा लक्का कबूतर, ये डोर ढूंढ रहा है, मतलब उसका दिल कर रहा है अंदर जाने को। अगर डोर खोला सीधा अंदर जाएगा, जाके बाकी कबूतरों को मारेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं अब होगा। अभी इनके लिए लादा पिंजरा आ गया। कबूतरी इसको पूछने जा रही है, तुम कहाँ पर लोगों के घरों में चातियाँ मारते हो? जब दोस्त को 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, फिर हम लोग उसको बहुत 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 बड़ा जो है ना चैलेंज देने वाले हैं। तो जिस दिन उसके 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे होंगे ना, कंप्लीट होंगे, अभी तकरीबन 3-4 हज़ार रहते हैं, तो उस दिन आप वो वाली वीडियो देखना, उस दिन में हम लोग ना दोस्त को चैलेंज देंगे। अगर दोस्त अपना चैलेंज कम्प्लीट करेगा तो हम लोग उसे ला कर देंगे एक, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, पैरेट तोता ला कर देंगे। तोता वो भी 70-80 हज़ार रुपये वाला, मतलब जो बोलना सीख चुका है वो वाला ला कर देंगे, अगर उसने चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो। अगर उसने ना चैलेंज कंप्लीट किया फिर उसे जो है ना ला कर देंगे सस्ते वाला, जैसे 7-8 हज़ार रुपये का, वो भी छोटा सा बच्चा होगा, या फिर 15-16 हज़ार रुपये का जो उससे भरा होगा, सबसे जो भरा ना वो 70-80 हज़ार रुपये का। तो अगर वो चैलेंज कंप्लीट कर लेता तो फिर उसे वो वाला ला कर देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आप सबके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि इनका कुछ करो, इनको इनके लिए अलहदा से स्पेशल से जगह बनाओ, लेकिन अभी आप सबको पता हमारे घर का काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं कभी उधर कभी उधर कभी उधर, तो इसलिए हम लोग इनका भी पक्का सेटअप नहीं कर रहे। पक्का सेटअप करेंगे इंशाल्लाह जब हमारे घर का काम खत्म हो जाएगा ना। अगर हम लोग ने हवेली ले ली तो हवेली में रखेंगे इनको, नहीं तो सबसे ऊपर वाली छत पर जो है इनका सेटअप करेंगे अच्छी तरह। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा, मैं भी आ जाऊँ, मैं देखना कैसे निकालता वो। जब इसके कान से निकल जाएगी ना वो गोली, इसके कान पे 3-4 लगानी है मैंने। 2 महीने हो गए हैं, बताया ही नहीं इसने कि मेरे कान में वो चली गई है गोली। आज मैं ना देख रहा तो पता नहीं ये फिर भी ना बताता, डरता। रुक जाए, मुझे भी साथ ले ले दाऊद, मजा आएगा उधर जाके। आई आज आज मैं आपका, आज व्लॉग आपका मैं कर रहा हूँ, सब कुछ बता आया हूँ, आपने जो बताना था ना वो सब कुछ बता आया हूँ मैं। शुक्रिया। आज भी तो उन्हें कान के बारे में नहीं था बताना, वो तो इसे आज सुनाई नहीं दे रहा उस कान से कुछ भी, इसलिए इसने कहा है, मतलब सुनाई दे रहा लेकिन कम दे रहा है, इसलिए इसने कहा मेरे कान में देखना क्या है, मैंने देखा तो गोली। सुनाई देता ना वैसे? सुनाई तो देता ना, दूसरे कान से बिल्कुल नहीं सुनाई देता, कम सुनाई देता जी। एक लड़के ने पिस्तौल से ये गोली चलाई थी, पहले मुझे कह रहा मुझे पता ही नहीं कब गई है, झूठ मार रहा है। हाँ मुझे, मैंने पूछा कहता मुझे पता ही नहीं कैसे गई कब, नहीं नहीं ऐसे ही लगा, ये मेरे ख्याल में इसने कान पे रखी होगी ना, पंगे ले रहा होगा, वो अंदर चली गई कान के अंदर। अभी पता उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपना हाथ डाल के ना कान में से निकालना। हाँ झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। हाथ फर्क रख, रेशा है, हाँ रेशा है, कान दर्द हो रहा है, मजा आ रहा है। दाऊद कह रहा था कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, उसके कान में रेशा है तो सुनाई कैसे देना है? सुनाई तो पता है अंदर गरम बन जाता है।
मतलब है काफी दिनों दी है काफी दिन की है इससे बहाने लगाने लगे आज रेशा बन गया ना सुना नहीं था जा रहा वो अंकल कह रहे हैं तकरीबन इसको महीना दो हो गया तब की है अब इसके अंदर जख्म बन गया और आस्ते आस्ते कीड़े भी डल सकते थे लेकिन इसे बताया नहीं चढ़ाई ने हिलना नहीं हाथ हाथ नमाज पढ़ा कर लें लास्ट एक घोड़ी नहीं है फास्ट जाने में से घोड़े जगह जरिए घोड़े जाने पागल ने पहले बताया नहीं तो अब अंकल से नहीं निकले अंकल कह रहे हैं कि मतलब निकल तो जाएगी लेकिन इसे ज़्यादा दर्द हो कैसे डॉक्टर के पास ले जाएं तो वो फिर इसका करेगा कोई हल अभी डॉक्टर के पास जाना यार दर्द तुम्हें हो रहा था मुझे पता नहीं क्या हो रहा था हमारे गांव के जो अंकल है ना उनसे चेक करा के आए हैं तो उनसे नहीं निकला वो जो कान में क्या कहते हैं वो जो मोती तो अभी वो कह रहे हैं कि इसका मतलब उन्होंने हमें डरा दिया कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा अभी भाई आसन से बात करते हैं मोटा भाई से तो उनसे पूछते हैं भाई मतलब इसका कुछ स्पेशल डॉक्टर है मतलब जिनका काम ये हो बस मतलब ऑपरेशन ना करना पैसे निकाल दे तो इसने तो डरा दिया इस अंकल ने कह रहे थे कि वो अंदर चले गए ऑपरेशन के बगैर नहीं निकल सकती मैंने कहा वाह मैं फिर अभी भाई आसन से बात करते हैं और पूछते हैं मतलब क्या सीन है वालेकुम सलाम यारा वो ना दाऊद के कान पे ना वो चली गई है वो जो होती है ना वो छोटी जो गन होती है यार प्लास्टिक की गोली जो होती है मोती? हाँ मोती वो उसके कान में चला गया तो हमारे गांव में जो बंदा था उसके पास गए थे तो उसने कहा कि नहीं ये मुझसे नहीं निकलेगी इसके डॉक्टर से चेक करवाओ उसने तो डरा दिया कह रहा है कि ऑपरेशन होगा ऐसे होगा ये होगा वो होगा मतलब ऑपरेशन के बगैर निकल आएगा ना मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह ये थी हमारी आज की वीडियो मेरे भाई जेब ने बनाई है क्योंकि मेरे कान में जाना मोती चला गया है इसलिए भाई जेब ने मेरी वीडियो बनाई है तो रोजाना मैं ही बनाऊ करूंगा बस आज भाई जेब ने बनाई है तो मैं जो है ना मेरे कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी ना मोती चला गया था तो अभी हम डॉक्टर के पास जाने लगे हैं वहाँ से जो है ना मोती की निकलवा कराएंगे तो आप सबको बताएंगे जैसे निकल जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा है तो ना निकला तो फिर जो है ना ऑपरेशन कराना पड़ेगा आप सब लोग कमेंट करके बताना भाई जी हमें वीडियो अच्छी बनाई है कि नहीं तो ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद करता आपको मेरा आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अल्लाह हाफिज़।